और महिलाओं का मटका रेस की। अब बहुत सारी महिला ऐसी जिन्होंने कभी खे गेम ही नहीं खेले, लेकिन हम हमारे यहाँ पर आने के बाद वो काफ़ी मतलब भावुक भी एक तरह से कह सकते हैं हुई। तो ये बोली एक जी हमारा जिंदगी वहाँ से वो खेल खेले आप यहाँ के, लेकिन हम ग्राउंड में भी आए कभी जी ऐसा पहली बार। होली के उपलक्ष्य में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। खरखौदा के गांव निरथान तहसील खरखौदा जिला सोनीपत में शुक्रवार को रंगों के त्योहार होली के उपलक्ष्य में युवा शक्ति सोसाइटी निरथान द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया, जिसमें छोटे बच्चे सहित महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई। इस प्रतियोगिता में कई तरह के खेल खेले गए, जिसमें महिला मटका दौड़ में प्रथम स्थान कमला देवी व दूसरे स्थान पर रोशनी देवी तो तीसरे स्थान पर दर्शना रही। इसके अलावा बुजुर्ग महिला जो कि 60 साल से ऊपर उम्र की महिलाओं की दौड़ में पहले स्थान पर रोशनी, दूसरे पर दया और तीसरे स्थान पर कमला देवी रही। महिला दौड़ में प्रथम स्थान पर स्वीटी, दूसरे स्थान पर ऋतु देवी व तीसरे स्थान पर सूरज रही। लड़कों की दौड़ में प्रथम स्थान पर सचिन, दूसरे स्थान पर हिमांशु और तीसरे स्थान पर युकेश रहे। वहीं छोटे बच्चों की दौड़ में प्रथम स्थान पर मुकुल, दूसरे स्थान पर अंशिका व तीसरे स्थान पर सोनाक्षी रही। लड़कियों के लॉन्ग जंप में नेहा प्रथम स्थान पर, ऋतिका दूसरे स्थान पर व तीसरे स्थान पर अंशु रही। इस शुभ अवसर पर राकेश, अमित, रविंदर, मास्टर सुधीर स्वामी, प्रदीप, अजय, मनोज राजवीर नंबरदार व समस्त निरथान ग्रामवासी मौजूद रहे। युवा शक्ति सोसाइटी निरथान ने सबको होली की शुभकामनाएं दी। प्रदीप भाई लड़कियों की रेस के लिए तमन्ना फर्स्ट प्राइज। अगली बार सही तू आई, अगली बार और जो भी हो रहा हूँ इला और मरी है फोटो ले आता फोटो ले दूसरा ताले बजा दो भाई। बिल्कुल जी, जैसा कि आप सभी को पता है हमारी सोसाइटी पिछले 3 साल से कंटिन्यू काम कर रही है गांव निरथान में जी। और जैसा थोड़ा बहुत समय मिलता है हम जैसे अड़ोस पड़ोस के गांव में जो अपने यंग्स लड़के हैं जिनकी अच्छी सोच है या जो करना चाहते हैं जी, हम उनके साथ भी मिलकर कुछ थोड़ा बहुत जैसे पौधारोपण हुआ, पेड़ों में पानी या फिर पक्षियों के लिए कुछ मतलब जो भी अच्छी सामाजिक कार्य जो भी उनके साथ मिलकर करते हैं जी। ठीक है, और हमारे साथ जैसे मैं उस चीज़ को नहीं छुपा रहा, जैसे अपना युवा शक्ति क्लब खरखौदा है, फ्रीस्टाइल बिंग है और एक वो जो प्रयास संगठन है, ये भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। हम इनके साथ ही मिलकर करते हैं, हम ये नहीं करते हैं हमारा अपना काम, जो सामाजिक कार्य होता है हम सबका मिलकर करवाते हैं। आज हमें सर ये सोचा कि भाई सभी अपने अभी तक जो पीछे होली हम देखते आ रहे हैं सब इंडिविजुअल बनाते हैं, कोई अभी इतना माहौल रह नहीं रहा गाँव में, तो हमने सभी ने ये मिलकर सोचा कि भाई क्यों ना सभी इकट्ठा हो एक जगह, जो जैसे पहले होता था रीति रिवाजों में भी, और आपने हम बड़े बूढ़े सुनते हैं सभी इकट्ठा मिलकर ही बनाते थे होली का पर्व, तो हमने यही सोचा पूरे गांव में अनाउंसमेंट किया कल शाम को भी आज सुबह भी लड़कियों ने पूरा उसमें सहयोग दिया। ठीक है, राजवीर जी हैं, अमित जी हैं, अर्षु जी हैं और ये अपने बाहर से भी आए जैसे बंटी जी हैं। आज के में जी हुए हैं लड़कियों की रेस हुई जी, लड़कियों को प्रोत्साहन करने के लिए हमने लॉन्ग जंप करवाए, उनको फर्स्ट पहल की है हमने जी, जी लड़कियों को कम से कम आगे उत्थान के लिए हमें कुछ ना कुछ उनके लिए ज्यादा करेंगे जी जी। और महिलाओं का मटका रेस की, अब बहुत सारी महिला ऐसी जिन्होंने कभी खे गेम ही नहीं खेले, लेकिन हम हमारे यहाँ पर आने के बाद वो काफी मतलब भावुक भी एक तरह से कह सकते हैं हुई, जो ये बोली जी हम ना जिंदगी वास्ते कोई खेल नहीं खेले आप यहाँ के, लेकिन हम ग्राउंड में भी आए कभी ऐसा पहली बार जी। धन्यवाद जी, होली के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहेंगे आज आप? हाँ जी, मिलकर मनाओ सब, कि कोई भेदभाव मत करो, सब आपके भाई बहन हैं, सब मिलकर मनाओ, खुशी का त्यौहार है, जय हिंद जय भारत, हैप्पी होली। ठीक है जी, धन्यवाद। आज आपके गांव में खेल प्रतियोगिता हुई, उसके बारे में बताइए माता जी। भाई ज्यादा ज्यादा लगाई जा रही थी और थे सब, हाँ उनकी मटका रेस हुई। ओके, कितनी उम्र की थी वो जो मटका रेस? 60 साल की। ठीक है, की मटका रेस हुई। ठीक है, फिर लड़कियां की फिर रेस हुई, कूद हुई। अच्छा,
कूद मार लड़कियां कूद करी। ओके। ज्यादा लड़की थी, छोटी छोटी भी थी, बड़ी बड़ी सी भी थी। अच्छा, इनाम के रूप में क्या क्या कुछ दिया? इनाम दिया, वे थाल दिए, टिफिन दिए, बहुत सा दिया, बच्चा ने खाना पीना भी दिया। ओके। केला, छोटे बच्चा की भी रेस करवाई। ओके, धन्यवाद। बड़े है लड़कियां की भी करवाई, 18-18 साल से की भी। ओके जी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज़ चैनल हरियाणा लाइव 24 को।